a and b belongs to real number and the value of I is root minus 1 is known as complex number. ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था रियल जेड इन विच बी इज जीरो, इमेजिनरी जेड व्हेन ए इज जीरो, एंड ऑल्सो जीरो इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर. देन हमने पढ़ा था इफ जेड इज ए प्लस आई बी इज जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर then z bar is known as its conjugate. Conjugate. हाँ, जिसमें हम लोग i वाला जो term है उसके sign को change करते थे. इसके basis पे आपने addition, subtraction, multiplication, division ये सारे चीजें पढ़ा और फिर हमने देखा i के formula थे. I raised to 4n is 1. I raised to power 4n plus 1 is what? Minus 1. Right? थोड़ा सोचो. I raised to 4n plus 2 minus 1 minus 1 I raised to 4n minus plus 3 minus I. इसके बेसिस पे आपने कुछ सम सॉल्व किया था और वहीं हम लोग रुक गए थे. इसके बाद हमने शायद आगे नहीं पढ़ा था, राइट? अब एक्चुअली जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट इज एज पर योर गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक इज टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. बट एज पर न्यू सर्कुलर ऑफ गवर्नमेंट जो स्क्वायर रूट पार्ट है उसको सिलेबस से हटा दिया गया है, तो वो वाला पार्ट मैं आज नहीं ले रहा हूँ. आज का जो लेक्चर है थोड़ा सा आप लोग को ज्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा. मैं नेक्स्ट पार्ट में जा रहा हूँ, थोड़ा सा अलर्ट रहने वाला पार्ट है. जैसे मैंने बिगनिंग में कहा था यह बहुत ही बड़ा टॉपिक है और इसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सम्स हैं, थोड़ा कंफ्यूज भी करता है. लकली इस साल क्योंकि सब लेट हो रहा है तो गवर्नमेंट ने इसमें से कुछ सब टॉपिक्स को डिलीट मारा है. इन विच फर्स्ट पार्ट इज स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेकेंड वन इज ड्यूमोइवर्स थ्योरम करके है, आप अगर देखोगे टेक्स्ट बुक तो समझेगा. बट जो भी होता है उसको हम लोग साइड में रखते हैं, जो पढ़ना है पहले मैं उसको पढ़ाने जा रहा हूँ. सो नाउ for today's lecture, important part is how to represent this complex number on graph. आप लोगों ने graphical part बहुत अच्छे से पहले किया हुआ है. अब जो है हम लोग complex number को graphically represent करेंगे. जैसे कि अगर मेरा complex number है z equals to 3 minus 2y, या z equals to 2 plus 5y, या z equals to minus 3, या z equals to 2i, ऐसा कुछ भी एग्जांपल मैं ले रहा हूं. और आपको क्वेश्चन बोलता है कि इसको ग्राफ पे आप प्रेजेंट करो, ग्राफिकली इसको प्रेजेंट करो. तो क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपका 3 माइनस 2i है तो यहाँ पे इसका जो कोऑर्डिनेट होगा ये ऐसे लेंगे हम लोग 3 कमा माइनस 2, इसका 2 कमा 5, इसका माइनस 3 कॉमा 0 सिंस b इज 0 हियर, अगर ध्यान दे रहे हो तो, और इसका आएगा 0 कॉमा 2. कुछ समझा? हेलो यस सर. आपको जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है उसके बस, क्योंकि ग्राफ पे अगर जाना है तो ग्राफ पे तो आपको मालूम है हमें पॉइंट को प्रेजेंट करना पड़ेगा ना, तो मैं वो पॉइंट फाइंड कर रहा हूं. अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलता है 5 प्लस 7 आए तो क्या करोगे, पॉइंट होगा 5.7. हाँ, इस तरह से आपको पॉइंट मिलेगा. अब ग्राफ पे प्रेजेंट करना मतलब आपको तो इजीली अच्छे से पता है, इसमें तो कोई कोई डिफिकल्ट पार्ट नहीं था, ये सब आपने बहुत अच्छे से पहले किया हुआ है. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन. अगर मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ले लिया, मैं एक जनरली ले रहा हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए और कुछ इसका पर्पस नहीं है इस समय, तो देखोगे तो थोड़ा बहुत मिस्टेक भी दिख रहा है इसमें. मिस्टेक इन द सेंस डिफरेंस जो डिस्टेंस है वो कॉमन नहीं है, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ. सो फर्स्ट पॉइंट इज 3 कमा माइनस 2. तो 3 कमा माइनस 2 कहाँ आएगा? 3 मतलब x एक्सिस पे 3 है और y एक्सिस पे माइनस 2 है, मतलब आपका पॉइंट कहीं यहाँ आएगा. यस ना? यस. इसके सामने 3 होगा x पे और y पे माइनस 2.
So this is your z1. Second point है 2.5. 2.5 मतलब x के 2, y पे 5. तो ये कहीं यहाँ आएगा, देखो ये 2, ये 5. कहीं यहाँ आएगा z2. ये पॉइंट हो गया. माइनस 3.0. माइनस 3.0 मतलब ऑन x एक्सिस यहाँ आ जाएगा. 0.2 मतलब ऑन y एक्सिस ये आ जाएगा. मुझे सिर्फ क्या समझाना है वो ध्यान दो. थैंक यू. मुझे ये समझाना है कि आप अगर ध्यान दोगे तो जो a की वैल्यू है इन एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर, जो a की वैल्यू है वो हम लोग हमेशा x एक्सिस पे प्रेजेंट कर रहे हैं और जो b की वैल्यू है वो हमेशा हम लोग y एक्सिस के थ्रू प्रेजेंट कर रहे हैं. बराबर? यस. a की वैल्यू थ्रू हम लोग x एक्सिस के प्रेजेंट कर रहे हैं और y की वैल्यू थ्रू b की वैल्यू थ्रू y एक्सिस के प्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, एक सेकंड होल्ड करना, एक सेकंड आप लोग. सॉरी. सो इट मीन्स आपको ये ध्यान देना है कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आई बी है, इसमें हमने देखा था अगर बी की वैल्यू जीरो होती है तो दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल होता है. ए की वैल्यू जीरो होती है तो कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी होता है. और अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जो भी ए का पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है वो x एक्सिस के थ्रू प्रेजेंट कर रहा है और b का पॉइंट y एक्सिस के थ्रू प्रेजेंट कर रहा है. तो इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर में, ध्यान से, सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर में x एक्सिस को एक नया नाम दिया गया है. x एक्सिस इज आल्सो नोन एज रियल एक्सिस. रियल एक्सिस एंड y एक्सिस इज नोन एज इमेजिनरी एक्सिस, क्योंकि हमेशा वो एक इमेजिनरी वैल्यू को प्रेजेंट करता है. x-axis real value को present कर रहा है और y-axis imaginary value को present कर रहा है. इसलिए सिर्फ आपको नाम याद रखने के लिए मैं बोल रहा हूँ, x-axis is known as real axis and y-axis is known as imaginary axis.
एक्सट्रीमली सॉरी, कंटिन्यू कॉल्स बज रहे हैं। ओके, इतना आप लोग को समझा क्या? यस सर। हाँ, मेरा अब तक बताने का ये जो अभी हमने ग्राफ प्रेजेंट किया है, मुझे दो ही मेरा पर्पस है। फर्स्ट पर्पस इज कि हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को ग्राफिकली प्रेजेंट कर सकते हैं, एंड द सेकंड पर्पस इज अगर उसको ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं तो उस पर्टिकुलर ग्राफ में एक्स एक्सिस का नया नाम आ रहा है रियल एक्सिस, एंड वाई एक्सिस का नाम आ रहा है इमेजिनरी एक्सिस। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट द क्वेश्चन इज, अब थोड़ा प्लीज ज्यादा अलर्ट रहना। द क्वेश्चन विल बी फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड इट्स मॉड्यूलस एंड एम्पलीट्यूड, मॉड्यूलस एंड एम्पलीट्यूड, ये क्वेश्चन आएगा। फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड इट्स मॉड्यूलस एंड एम्पलीट्यूड। नाउ द पॉइंट इज, सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि ये मॉड्यूलस होता क्या है, ये एम्पलीट्यूड क्या होता है। ये अगर आप समझ जाओगे तो आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो ये समझने की पहले कोशिश करो। सी, दिस सर्कल इज सपोज स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। अब ये क्या होता है ध्यान से सुनना, स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। स्टैंडर्ड सर्कल इट मीन्स अ सर्कल हुज सेंटर इज एट ओरिजिन, ठीक है, अ सर्कल हुज सेंटर इज एट ओरिजिन नोन एज अ स्टैंडर्ड सर्कल। और यूनिट सर्कल क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसका उस सर्कल का जो रेडियस होगा वो वन यूनिट होगा, वन यूनिट होगा, तो उस सर्कल को बोलते हैं स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। बात समझ में आ रही है? हेलो सर, रिपीट करो ना। मैंने क्या कहा, ऐसा सर्कल, सर्कल कोई भी हो, लोगों ने सर्कल के बारे में टेंथ में थोड़ा बहुत पढ़ा है, बराबर है? तो सर्कल का सेंटर होता है, रेडियस होता है, इतना तो पता है। तो अगर ऐसा सर्कल जिसका सेंटर कंफर्म ओरिजिन पे हो, जैसे मैंने यहाँ पे ओ दिखा दिया, ओरिजिन इट मींस इट्स कोऑर्डिनेट विल बी 0 0, राइट? सो ऐसा सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन पे हो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड सर्कल, स्टैंडर्ड सर्कल। प्लस अगर इसमें मैं यूनिट सर्कल वाला टर्म ऐड करूं तो यूनिट सर्कल का मतलब ऐसा सर्कल जिसमें जो रेडियस है, रेडियस की वैल्यू वन यूनिट हो। अगर रेडियस की वैल्यू वन यूनिट हुई तो यूनिट सर्कल हुआ, और सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे है तो स्टैंडर्ड सर्कल हुआ। तो दोनों अगर मिक्स हो रहा है तो सर्कल हो गया स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। अब समझा? यस सर। यस सर। ओके, तो अब मैं कुछ फॉर्मूले डिराइव करने जा रहा हूं, मैं फॉर्मूला डिराइव करने जा रहा हूं, देखो ध्यान से। अगर आपके पास आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, द कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए प्लस आई बी, सिंस ए एंड बी हियर, एक एग्जांपल ले रहा हूं, ए एंड बी बोथ आर पॉजिटिव, तो कहीं ना कहीं वो जो पॉइंट है, जैसे मैंने अभी अभी ये किया, वो जो पॉइंट है वो कहीं ना कहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा, लेट इट बी हियर, बराबर ना? ए और बी दोनों पॉजिटिव है तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पॉइंट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा। हेलो, यस यस, लेट द पॉइंट बी पी। जैसे कि अभी यहाँ पे देखो, ये एग्जांपल में हमने क्या किया था, 2,5 है, 2,5 दोनों पॉजिटिव था, तो 2,5 कहाँ आया था, यहाँ आया था, देखो 2,5 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, हाँ, यस। तो प्लस प्लस रहेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, इतना तो पढ़े हो, प्लस माइनस, माइनस प्लस रहेगा तो सेकंड क्वाड्रेंट, माइनस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट, एंड प्लस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये पता है ना हमें? यस यस, प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस, ओके, ये सब बेसिक चीजें हैं इसलिए मैं उसमें गया नहीं, ठीक है। सो अब मुझे क्या बताना है कि ए और बी, आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस आई बी, उसमें अगर ए और बी पॉजिटिव है तो उस पॉइंट को हम लोग ऐसे कहीं तो प्रेजेंट करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट पी इज ए कमा बी, ठीक। अब मैं फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए एक
जनरल कंस्ट्रक्शन ले रहा हूँ, डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ. मैंने क्या किया, ओपी को ज्वाइन किया और पीएम परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस ड्रॉ किया. पीएम परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस ड्रॉ किया, ठीक. इसमें अच्छे से दिख रहा है या मैं बड़ा सर्कल लूं? दिख रहा है. एक मिनट, कचरा नहीं करना चाहता मैं, कि आपको अच्छे से समझे. यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है. अब देखो, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट रिप्रेजेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन. द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट विच रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन इज नोन एज द मॉड्यूलस ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर. मॉड्यूलस, तो अगर z मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसके मॉड्यूलस को हम लोग प्रेजेंट करते हैं आइदर मॉड z ऐसा या बाय r, स्मॉल r, मॉड z और स्मॉल r. और इसका मीनिंग क्या हो रहा है, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट विच रिप्रेजेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन. कुछ समझा मैंने क्या बोला? रिपीट सर. अगर मेरा पॉइंट 2.5 यहां है, ठीक, तो इसका जो डिस्टेंस ओरिजिन से होगा इसको बोलते हैं मॉड्यूलस इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए. Z2 का मॉड्यूलस ये है. अब समझा? यस यस. डेफिनेशन वापस मैं बोल रहा हूं, प्लीज उसका मीनिंग को. मैथ्स में डेफिनेशन नहीं ध्यान दोगे तो भी चल जाएगा, तुमको वो डिफाइन करने लिखने कहीं नहीं आने वाला है. मीनिंग को समझ से जाओ कि सम सॉल्व करते समय आइडिया रहे कि क्या करना है, ठीक. ये साइंस हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं कि हमको डिफाइन, इट मे बी डिफाइंड एज स्टेटमेंट नहीं देना है, सिंपल रहो. मैं वापस अगले पॉइंट पे जा रहा हूँ. आपका फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ मैंने क्या लिया था, 3 3-2 आया, जिसका पॉइंट आया था 3-2. 3-2 मतलब कहाँ आया था, ये यहाँ आया था, याद करो, ये Z1 है आपका, बराबर है. तो अगर मुझे बोलेगा इसका मॉड्यूलस फाइंड करो, मॉड्यूलस मतलब क्या, इसका डिस्टेंस ओरिजिन से, ये मॉड्यूलस है. अब उसको फाइंड करने का मैं फॉर्मूला देता हूँ, ध्यान मत दो, पहले ध्यान दो कि वो क्या हो रहा है. दूसरा था 2.5, तो ये हो गया मॉड्यूलस. तीसरा था -3.0 मतलब ये पॉइंट आया था, तो मॉड्यूलस क्या होगा, ये इसका डिस्टेंस ओरिजिन से, मतलब वो जो पर्टिकुलर पॉइंट आएगा, जो भी पॉइंट आएगा जो कॉम्प्लेक्स नंबर को प्रेजेंट करेगा, उसका डिस्टेंस ओरिजिन से इज नथिंग बट द मॉड्यूलस ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट. The distance of a point which represents complex number from origin is called modulus of that complex number is either denoted by mod z like this or by small r. अभी देखो, ये पढ़ाते पढ़ाते मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोग की ज्योमेट्री कितनी स्ट्रांग है, क्योंकि अब मुझे आपके आवाज के कॉन्फिडेंस से समझ में आ रहा है कि आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो और ज्योमेट्रिकली आप लोग थोड़े से फंसोगे. अब मैं जो आंसर पूछ रहा हूं, मुझे पहले क्वेश्चन के आंसर दो. अगर p की वैल्यू a, b है, तो कोई ये बोल सकता है इसकी वैल्यू क्या होगी और इसकी वैल्यू क्या होगी, om और pm की वैल्यू क्या होगी? om a और pm b. om is a and pm is b, right? Yes. Very good. तो अब अगर आप लोग अच्छे से देख पा रहे हो, आप राइट एंगल ट्रायंगल OMP को देखो. OMP देखा? OMP. Yes. ये राइट एंगल ट्रायंगल है. राइट एंगल ट्रायंगल है तो मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम ले सकता हूँ. Yes. By Pythagoras theorem, OP square is equals to OM square plus PM square. यही होता है पाइथागोरस? Yes. OP is nothing but our R, that modulus. OM square मतलब A square. A square. मतलब B square. R की value क्या आ गई? Square root of A square plus B square.
So this is the required formula for finding modulus of any complex number. आपको पता है a square plus b square जो formula आया उसमें a और b क्या है? A और b तो किसी ना किसी complex number को present कर रहा है ना, complex number को represent कर रहा है, ठीक? तो अगर मुझे किसी भी complex number का अब modulus पूछा तो मैं simple सा formula apply करूंगा, square root of a square plus b square. मतलब वापस यहाँ आ जाओ, देख रहे हो आप लोग, तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर था 3 minus 2i, यहाँ पे a 3 है, b minus 2 है, तो इसका मॉड्यूलस क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला है आपका, मतलब 9 प्लस 4 रूट 13, 9 प्लस 4, इसका कॉम्प्लेक्स, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 29, इसका यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर देखो माइनस 3 है, तो इसका मॉड्यूलस क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 3 स्क्वायर, दैट इज 3, बराबर ना? यस. इसका क्या होगा? 2 स्क्वायर इज 4, दैट इज 2, मॉड्यूलस विल बी 2. अब पॉइंट समझ में आ रहा है अभी आपको, कैसे फाइंड करोगे? यस. हाँ, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर ए कमा बी, ए कमा बी, मॉड्यूलस इज square root of a square plus b square, which is generally denoted by either small r या mod z, दोनों में से कोई एक लो, ठीक? Yes sir. Okay. अब दूसरा पार्ट आता है, ये तो कुछ नहीं था, तो भी आप लोग ने, हम लोग टाइम लिए. दूसरा पार्ट आपको थोड़ा सा परेशान करेगा. दूसरा पार्ट है, now find its amplitude. एम्पलीट्यूड नाम देगा या तो नाम देगा आर्गुमेंट, आइदर टू फाइंड एम्पलीट्यूड और टू फाइंड आर्गुमेंट. अब ये क्या होता है, देखो, एंगल मेड बाय लाइन, ध्यान से सुनना, ये जो डेफिनेशन मैं अभी दे रहा हूं, ये डेफिनेशन आपको कई बार पढ़ने हैं मैथ्स के 2-3 टॉपिक में, लेकिन अलग अलग फॉर्म में आएगा, बट मीनिंग सबका सेम होगा. Amplitude or argument of complex number is angle made by line represented by complex number from positive direction of x-axis. देखो, थोड़ा सा इसको मैं अलग चेंज कर रहा हूं, समझाने के लिहाज से बोल रहा हूं. मैं जैसे बोला मैथमेटिकली आपको डेफिनेशन कहीं लिखना नहीं है तो वो चलेगा, साइड कर दो. मीनिंग कैसे समझोगे? सबसे पहले मैंने बोला कि ये एंगल है, एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट इज नथिंग बट एंगल मेड बाय लाइन. तो अगर एंगल की बात हो रही है तो उसका इनिशियल आर्म होगा और टर्मिनल आर्म होगा, ये तो कंफर्म है. हेलो, यस यस, जैसे ही एंगल आया तो उसका इनिशियल आर्म होगा और टर्मिनल आर्म होगा, ठीक? तो आपको वो एंगल फाइंड करना है. तो जो इस एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट का डेफिनेशन है, प्लीज ध्यान से इसके मीनिंग को समझ लो एटलीस्ट, कि जो भी एंगल फॉर्म होगा, जैसे कि इस डायग्राम के हिसाब से एंगल मेड बाय दिस लाइन, एंगल मेड बाय दिस लाइन विच रिप्रेजेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर, सो एंगल मेड बाय दिस लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो इस एक्स एक्सिस के साथ ये जो एंगल फॉर्म करेगा, ये एंगल, लेट इट बी थीटा, that is called amplitude or argument for this complex number a कमा बी. ये एंगल, मतलब थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ऐसा एंगल जिसमें इनिशियल आर्म इज ऑलवेज फिक्स्ड, और वो ये होगा, हेलो, यस सर. Initial arm is always fixed and that initial arm is always this. अब जैसे कि ध्यान देते हैं यहाँ डायग्राम में आते हैं, आपके लिए सारा एग्जाम्पल्स यहाँ है. पहला कॉम्प्लेक्स नंबर आपका 3-2i था, ठीक? तो कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पहुंचा है, यही था ना?
Yes. इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए अगर मुझे बोलता है कोई एम्पलीट्यूड फाइंड करो, तो मैं क्या करूंगा, एंगल फाइंड करना है कहां से, इनिशियल आर्म आपका हमेशा ये होगा, ये तो आपका एंगल यहां से स्टार्ट होके यहां तक जाएगा. समझा? स्टार्ट हमेशा यही होगा, ये मत भूलना, स्टार्टिंग पॉइंट विल बी ऑलवेज फिक्स्ड, स्टार्ट यहां से होगा और एंड डिपेंड करता है वो लाइन कहां है वहां तक जाएगा. तो ये यहां गया, 2+5y है, तो इसका एम्पलीट्यूड यही होगा, ये होगा. -3.0 है, तो इसका एम्पलीट्यूड यहां से स्टार्ट होकर यहीं तक खत्म होगा, क्योंकि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर यही है. अब समझ रहे हैं, कुछ क्लियर हो रहा है? 0.2 आपका यहां था, तो इसका एम्पलीट्यूड यही होगा सिर्फ. ठीक, ये सर. हाँ, अब वापस दोनों डेफिनेशन को समझो. पहले तो मॉड्यूलस बहुत सिंपल है. मॉड्यूलस मतलब द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट व्हिच रिप्रेजेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन इज मॉड्यूलस. उसको फाइंड करने का फॉर्मूला आ गया √√a² + b², ठीक है. और एम्पलीट्यूड क्या हो गया है, द एंगल मेड बाय लाइन व्हिच रिप्रेजेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट. अब उसके बेसिस पे तो देखेंगे तो अगर मुझे थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, मुझे ए मालूम है, बी मालूम है, तो सबसे सिंपल फॉर्मूला क्या बनता है, टैन थीटा इक्वल्स टू बी अपॉन ए, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. यस करेक्ट. तो लेकिन मुझे टैन थीटा नहीं, थीटा चाहिए, तो इसको ऐसे लिखते हैं, थीटा इक्वल्स टू टैन इनवर्स ऑफ B upon A. This is your amplitude. आपको theta की value find करना पड़ेगा और लिखेंगे ऐसे, tan inverse of B upon A. Inverse के बारे में detail में आपको आगे भी पढ़ाया जाएगा, एक पूरा topic ही है, तो उस चीज से मत समझो. जो आपने 10th में किया वही दुनिया है. आप 10th में कैसे करते थे, अगर tan theta equals to tan 30 है तो फिर क्या लिखते थे, theta equals to 30, ये लिखते थे ना. Yes. हाँ, तो ये लिखने का सिर्फ तरीका चेंज हो रहा है, मीनिंग सब वही है. तो मॉड्यूलस फाइंड करने का फॉर्मूला आया √√a² + b² और एम्पलीट्यूड फाइंड करने का फॉर्मूला आया θ = tan inverse of b upon a. ठीक? Yes. ओके. ये अभी भी मैं बोलूंगा, जितना इजी दिख रहा है उतना इजी है नहीं, थोड़ा अब परेशान करना स्टार्ट करेगा. इसके बेसिस पे मैं कुछ एग्जांपल्स पहले सॉल्व करूंगा जो आपको थोड़ा बहुत समझ में आए, एंड देन आगे हम लोग बढ़ेंगे दूसरे पार्ट पे. पर थीटा सर, हाँ बोल. थीटा अपने को रेडियंस में निकालना है कि डिग्री में? यहाँ डिपेंड करता है, आप दोनों में से किस में भी निकाल के रख दो चलेगा. ओके सर. हाँ, डिग्रीज में भी लिख दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं मोस्टली, लेकिन अब सिखाया ये जाता है कि आप ट्राई करो जहां तक हो सके एंगल्स हमेशा रेडियंस में रखो. लेकिन अपनी जो आदत है वो आदत रेडियन में अभी तक बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, अपनी आदत अभी भी डिग्रीज में ज्यादा चलती है. लेकिन दोनों करेक्ट रहेगा, रॉन्ग नहीं होगा. ठीक? यस सर. हाँ, यस. कोई कुछ बोला क्या? नहीं. ठीक है, तो मैं आप कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूं एक्सरसाइज के. अब जैसे कि थर्ड एक्सरसाइज में मैं जा गया हूँ, डायरेक्टली मैं थर्ड एक्सरसाइज में जा रहा हूँ. सेकंड एक्सरसाइज में शायद एक क्वेश्चन करने के लिए है, बाकी सब नहीं है, बट वो मैं बता दूंगा आपको बाद में, वो इजी है. मैं मॉड्यूलस एम्पलीट्यूड के बेसिस पे थर्ड एक्सरसाइज में जा रहा हूँ. थर्ड एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द मॉड्यूलस एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द ईच ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर. फर्स्ट वन इज z = 7 - 5y.
सेकेंड वन दिया है z इक्वल्स टू रूट थ्री प्लस रूट टू वाई, ऐसा ही मैं अलग अलग लूंगा. फिफ्थ दिया है माइनस फोर आई. सेवन दिया है ओनली थ्री. और अगर कोई भी एक ले लू, टेंथ देख के आपको डर लग रहा है तो टेंथ. ये सारे वैल्यूज हैं, इसके हमें मॉड्यूलस और एम्पलीट्यूड चाहिए. तो अब देखो क्या होता है. फर्स्ट सम z इज सेवन माइनस फाइव आई. Here we all know that a is 7, b is minus 5. First of all, modulus. Modulus is root of a square plus b square. That is equals to 7 plus minus 5 square. 49 plus 25. Square root of 74. Barabar hai? Yes. Yes. बराबर है ना? Yes. अब 74 का कुछ स्क्वायर रूट फाइंड कर पा रहे हो तो बताओ. नहीं हो रहा है. So, वो as it is रहेगा. और एम्पलीट्यूड क्या होगा? टेन इनवर्स ऑफ बी बाई ए. सो टेन इनवर्स ऑफ बी, यहाँ पे क्या था? माइनस फाइव ए सेवन. यही आपका आंसर है. हेलो. यस सर. यस सर. यस सर. ये सम बहुत इजी था, लेकिन सारे सम ऐसे इजी नहीं होंगे. सेकंड सम भी इजी है, मैं सेकंड भी कर दे रहा हूं. z इज रूट थ्री प्लस रूट टू वाई. योर a इज रूट थ्रू, b इज रूट टू. R बराबर है. Yes. Yes, sir. Yes. और amplitude. Yes, sir. हाँ, कुछ बोलना है? हेलो, किसे कुछ बोलना है? रूट टू बाय रूट थ्री. दैट्स इट. सम ओवर. ठीक. यस सर. अब गड़बड़ क्या होगा वो सुनो. आप लोग थीटा के टाइम पे ध्यान दे रहे हो एक चीज. थीटा मुझे ऐसा मिल रहा है कि मैं उसको आगे सॉल्व भी नहीं कर सकता. Like tan inverse of minus 5 by 7 या tan inverse of root 2 by root 3, ये सॉल्व नहीं हो रहा. Yes. But yes. आपने 10th standard में, 9th 10th में आपने trigono पढ़ा हुआ है. Yes. Yes. अगर trigono पढ़ा है तो आपने टेबल पढ़ा है. Yes. 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 अब वो सारे स्टैंडर्ड वैल्यूज को याद रखो. याद है 0, 30, 45. 60, 60, 60, 90. 90. कम से कम इतना आपको याद रहना चाहिए. अगर इतना याद है तो मेरा काम आसान हो जाएगा. इनफैक्ट आप 11th स्टैंडर्ड में इससे आगे पढ़ने वाले हो, बहुत सारे वैल्यू पढ़ोगे. लेकिन याद रखना सिर्फ आपको इतना ही रहेगा जो आपने 9th 10th में पढ़ा है. ठीक है. तो इस टाइप के सम्स में, क्योंकि मैं टेन में पढ़ रहा हूँ सब कुछ, ट्रिग्नो फंक्शन मेरा टेन है, तो टेन के पांच वैल्यू याद रखो. टेन जीरो इज हेलो जीरो. टेन जीरो इज जीरो. ठीक.
तो ये पांच वैल्यू प्लीज आप सब लोग अच्छे से दिमाग में फिक्स कर लो तो प्रॉब्लम नहीं होगा, नहीं तो हम फंसेंगे. मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, आपने आंसर दिया है tan 0 is 0, tan 30 is 1 by root 3, tan 45 is 1, tan 60 is root 3 and tan 90 is not defined. ये अगर पांच आंसर आपको अच्छे से पता है तो आप कोई भी सम सॉल्व कर सकते हो एम्पलीट्यूड फाइंड करने के लिए, आर्गुमेंट फाइंड करने के लिए. लेकिन ये पांच वैल्यू आपको याद होने चाहिए क्योंकि अब मैं जो नेक्स्ट सम लेने जा रहा हूं उस पर आपको ध्यान देना है. ठीक, देखो मेरा नेक्स्ट सम क्या होगा. यहां पे मेरा एग्जांपल मैंने लिया था -4 -4 आई, ये मैं थोड़ा लेट लूंगा, उससे पहले मैं अपना एक नया एग्जांपल ऐड कर रहा हूं. लेट जेड इज 1+i. 1+i. अब यहां पे आपको पता है हियर a इज 1 b इज 1, सो मॉड्यूलस क्या हो जाएगा 1 1 1 9 √2. बराबर ना? यस, √2. ठीक, प्लीज ध्यान देना, गड़बड़ होने जा रहा है इसलिए बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ. मतलब कुछ तो आगे ऐसा स्टेप है जहां पे आप कंफ्यूज होंगे, ये हमें पता है. सो नाउ पॉइंट इज, जब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर 7 -5i था तो ये आपका ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट करते तो 7 -5 पॉइंट आता. √3 + √2 आई था तो √3 √2 आता. यहां पे 1+i है तो क्या आएगा 1, 1. बराबर है? Yes. हाँ. तो आपको अगर कभी भी मॉड्यूलस एम्पलीट्यूड बोलता है प्लस इसके बेसिस पे एक और फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर का जहां पे वो सब यूज होगा, तो आप ना यहाँ पे एक रफली डायग्राम ड्रॉ करो, रफली डायग्राम ड्रॉ करो. एक्स वाई, मेरा पॉइंट 1, 1 है. 1, 1 है तो कहीं ना कहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ये तो पक्का पता है. कहीं भी हो सकता है, वो आपको एग्जैक्टली मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ रफली डायग्राम चाहिए. तो मेरा पॉइंट आ गया, क्योंकि मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था 1+i, पॉइंट आया 1, 1 फर्स्ट क्वाड्रेंट में. फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो डायग्राम आपका ऐसा बनेगा, बराबर ना? Yes. तो इस केस में आपका जो थीटा होगा, एम्पलीट्यूड होगा, वो ये होगा. स्टार्ट तो हमेशा यही से होने वाला है. ठीक, अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. फॉर्मूला क्या था थीटा का? एम्पलीट्यूड थीटा इज टैन इनवर्स ऑफ बी अपॉन ए, बी बाय ए, मतलब 1/1, मतलब 1. फर्स्ट पिन फ्रीज हो गया. अब है टैन का कौन सा वैल्यू 1 होता है? 45. तो यहाँ पे थीटा का आंसर आ गया π/4. है जी, 45 को रेडियन में π/4 लिखते हैं ना? Yes. हाँ, तो मैंने सिर्फ इसको डिग्री में नहीं लिख के रेडियन में लिखा, थीटा की वैल्यू π/4. इसको ध्यान से देखो, जिसको कुछ पूछना है उस पे मुझे जो पूछना है पूछो.
किसी को कुछ भी नहीं पूछना है? मैं नेक्स्ट एग्जांपल में जाऊं? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर या नो तो बोलो कि आपको समझा नहीं समझा, नहीं समझा तो क्या नहीं समझा वापस पूछो, या तो मैं आगे जाऊंगा। समझा सर। अच्छा एक क्वेश्चन फिर भी बनता था, किसने मुझसे पूछा नहीं। एक क्वेश्चन जो मैं सोच रहा हूँ अब तक जो मैंने पढ़ा है उसके बेसिस पे ये एग्जांपल में कि सर आप डायरेक्टली भी एम्पलीट्यूड थीटा लिख के टेन इनवर्स ऑफ बी बाई ए फॉर्मूला अप्लाई किया, सब करके थीटा इक्वल्स टू पाई बाई फोर आ रहा है, बरोबर है? Yes. तो वो yes. छोटा सा रफ डायग्राम का क्या जरूरत था? अंडरस्टैंडिंग। ठीक है चलो इतना तो किसी को समझा, गुड। बट मैं बोलूंगा कि नहीं उस रफ डायग्राम का जरूरत इसमें नहीं था, लेकिन ये बताना जरूरी इसलिए था क्योंकि इसका जरूरत अभी दूसरे में होगा। देखो यहाँ समझेगा तो दूसरे में। हाँ सर, वो एम्पलीट्यूड का पार्ट एक बार एक्सप्लेन करो ना, मैं डिस्कनेक्ट हो गई। हरिओम। एम्पलीट्यूड म्हणजे थीटा फाइंड करायचं आहे, बरोबर? आणि फॉर्मुला व्हाट वी हैव इज टैन इनवर्स ऑफ बी अपॉन ए, हियर ए एंड बी बोथ आर 1, सो बी अपॉन ए म्हणजे 1/1, 1/1 इज 1। अब टैन इनवर्स ऑफ 1 आया, अभी टैन का कौन सा वैल्यू 1 होता है वो याद रखना है, तो टैन का 45 वैल्यू 1 होता है, तो इसका मतलब एंगल की वैल्यू 45 डिग्री है। इन डिग्रीज इट इज 45, इन रेडियंस इज पाई बाई 4। ओके सर, गुड। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, अब थोड़ा दिमाग चकराना सकता है हल्का सा। मैं एग्जांपल ले रहा हूं जेड इक्वल्स टू -1 + √3i। सो हियर ए की वैल्यू और बी की वैल्यू, ठीक है? ए इज -1, बी इज √3, तो मॉड्यूलस क्या हो जाएगा? आर फॉर्मूला टू। और एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या है? थीटा इक्वल्स टू टैन इनवर्स ऑफ बी अपॉन ए। गड़बड़ क्या होगा ध्यान देना और सोचना, प्लीज सोचना समझना ध्यान देना, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है -1 + √3i, तो पॉइंट क्या हो रहा है -1 + √3, ठीक? Yes. तो अगर मैं इसको रफली डायग्राम ड्रॉ करूं, माइनस प्लस है तो माइनस प्लस अगर है तो कहीं तो यहाँ आएगा। हाँ अगर यहां आया तो जो डायग्राम बनेगा वो ऐसा बनेगा, ठीक? लोग पीछे जा रहे हैं। जैसे कि ये देखो, पॉइंट अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो डायग्राम ऐसा बनाना। यस। मैंने सेम एग्जांपल था, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, डायग्राम ऐसा बना। अब भी जो मैंने लिया ये भी इस एग्जांपल में मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया था, तो इसका भी डायग्राम ऐसा ही बनने वाला था, ठीक है? लेकिन इस क्रम में क्या हो रहा है, इस समय गड़बड़ क्या हो रहा है कि पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में तो एक्चुअल डायग्राम ऐसा बनेगा, ठीक? यस। अगर डायग्राम ऐसा बना, सोचना थोड़ा सा, अगर डायग्राम ऐसा बना
ये माइनस वन कमा रूट थ्री है। मैं एक सिंपल सा वापस हाँ प्लीज आप लोग को समझाने के लिए थोड़ा ज्यादा एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मान लो मेरा माइनस ए कमा बी इधर है, माइनस ए कमा बी है, ठीक है, डायग्राम ऐसा बना, तो ये वैल्यू माइनस ए हो जाएगा और ये वैल्यू बी हो जाएगा, यही होगा ना? Yes. है कि नहीं? तो अगर इसके बेसिस पे मैं सॉल्व करने जाऊंगा तो मुझे एंगल कौन सा मिलेगा? ये मिलेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो मुझे ये मिलेगा, समझ रहे हो कि नहीं? Yes. लेकिन 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 जो मैंने एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला पढ़ा, जो मैंने एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला पढ़ा, उसके हिसाब से तो हमेशा इनिशियल आर्म तो ये होना चाहिए। Yes. Yes. इसका मतलब ये मेरा आंसर होगा ही नहीं, मेरा आंसर क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक। Yes. ये मेरा आंसर है। बात समझ में आई? Yes. 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 हाँ हाँ, इसलिए मैं रफ डायग्राम पे जाने बोल रहा हूँ। तो आप में से कोई बोल सकता है कि अगर इसकी वैल्यू 30 आ रही है, ये वैल्यू अगर 30 है तो ये वैल्यू कितनी होगी? 150 दैट मींस 180 माइनस 30। यस यस करेक्ट। यस हाँ, अब मैं अपने पॉइंट पे आ रहा हूँ। दैट्स व्हाई सिंस हियर आवर कॉम्प्लेक्स नंबर इज माइनस प्लस लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सो बिकॉज ऑफ दिस formula for amplitude will be just not tan inverse of b by a, that will be pi minus tan inverse of b by a. Hello. Yes sir. यहाँ से समझा ये बात ना? Since yes. point lies in second yes. quadrant, so based on this diagram we'll get this value, but our aim is to find this one. Yes. And this value is nothing but 180 minus this. 180 is nothing but pi. 180 is in radian is pi. So, इसके लिए जब आपका point second quadrant में है, then for finding amplitude formula will be pi minus tan inverse of b by a. तो अब मेरा आंसर क्या होगा? Pi minus tan inverse of b upon a. B क्या था? Root 3. Upon minus 1. Yes, root 3. tan inverse of root 3. ये मैं mod जानबूझ के यूज कर रहा हूँ, क्योंकि mod आप लोगों ने बिगनिंग में बचपन में पढ़ा हुआ है, ये नेगेटिव वैल्यूज को दूर करता है, नेगेटिविटी को दूर करता है, ये पढ़ा है ना? Yes. Hello. Yes. Yes. अब tan की कौन सी वैल्यू root 3 होती है? 60 मंजे pi by 3. 60 it means pi by 3 ना? Yes. तो पाई माइनस पाई बाई थ्री, तो फाइनल आंसर क्या होगा? 3π - π, 2π / 3. ये फाइनल आंसर आएगा। ये थोड़ा सा आप लोगों को परेशान किया होगा, जरा ध्यान से देखो मैं क्या बताने की कोशिश किया। हेलो, किसी को कुछ भी पूछना है तो प्लीज पूछ लो। हेलो सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, तो पाई टेन एम्पलीट्यूड वाला सेक्शन फिर से एक्सप्लेन करेंगे। कौन बोल रहा है? स्वयं सर। अरे ऐसा तुम लोग डिस्कनेक्ट बीच बीच में होते रहोगे तो टीचर्स का बैंड बज जाएगा एक ही चीज बोलने में। सर इधर बारिश हो रहा है ना, तो नेटवर्क नहीं है। क्या बात कर, बारिश वरिश में सब लोग कल्याण इसमें ही बैठे हैं। देख मैंने क्या किया, सुन। अच्छा नालायक गांव भागेगा तो फिर तो प्रॉब्लम होगी ना, हैं सिंह सर? बहुत दिमाग लगाए हो। अच्छा देखो यहाँ पे क्या किया गया, ध्यान दे। जो अपना कॉम्प्लेक्स नंबर है, तू कहाँ से डिस्कनेक्ट हुआ था रे? स्वयं। हाँ सर। कहाँ से डिस्कनेक्ट हुआ था, कुछ याद है? कौन से पॉइंट पे मैं क्या बोल रहा था? हाँ ये जो फॉर्मूला के बाद लिखा ना आपने, जो एक्सप्लेन किया ना ये डायग्राम में। अच्छा मैंने डायग्राम में ये एक्सप्लेन किया। हाँ। कि ये जो डायग्राम बना है, ये अगर मेरा पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में है, देखो मैं डायरेक्टली एज अ फॉर्मूला भी आपको दे सकता हूँ, बट मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ।
प्लीज वो ध्यान दो कि अगर मेरा पॉइंट कभी भी सेकंड क्वाड्रेंट में आया तो डायग्राम ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा तो मुझे ये एंगल मिलेंगे, लेकिन जो फॉर्मूला है एम्पलीट्यूड का उसके बेसिस पे मुझे ये एंगल चाहिए, ये नहीं। तो ये एंगल अगर मुझे मिलता है तो इसके बेसिस पे मैं ये फाइंड कर सकता हूँ, क्योंकि टोटल तो 180 होता है, बराबर ना? ये टोटल 180 होगा, 180 माइनस ये अगर कर देंगे तो मेरा आंसर आएगा। तो मैंने इसलिए फॉर्मूला लिखा है 180 माइनस ये, पाई का मतलब 180। Yes. 180 माइनस दिस विल बी योर एक्चुअल वैल्यू। तो फिर मैंने बी और ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, उससे मुझे रूट थ्री मिल रहा है। फिर मैंने देखा टेन का रूट थ्री वैल्यू किसका होता है, 60 का, पाई बाय 3। फिर मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे यहाँ सबको समझे ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3 पाई माइनस 1 पाई, 2 पाई अपॉन 3, तब आंसर आया। यस सर, थैंक यू सर। मैं और टेंशन मत ले कि आज ये कंप्लीट नहीं हुआ, ये थ्योरी बहुत लंबा चलने वाला है, एक लेक्चर और में पूरा इसी की थ्योरी चलेगी। तो अगर आज किसी को थोड़ा भी कंफ्यूजन या एक्स जेड हुआ रहेगा तो नेक्स्ट लेक्चर में वापस वो क्लियर होगा, ठीक? यस सर, यस सर। ओके, और किसी को कुछ बोलना है?